नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं गीगर मूलर ट्यूब के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं BBTEC या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, उनको अक्सर ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे गीगर मूलर ट्यूब, या इसको एक और नाम से बोला जाता है GM काउंटर। GM means G for Google, Geiger Muller Tube। ट्यूब को हम कभी काउंटर बोल देते हैं। काउंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक प्रकार काउंटर की तरह भी इसका हम यूज करते हैं, काउंटिंग करते हैं। रेडिएशन में अल्फा बीटा गामा रेस, जो रेडिएशन न्यूक्लियर रेडिएशन उसमें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रहते हैं, उनको काउंट भी किया जाता है। इस कारण इसको हम GM काउंटर भी बोल देते हैं। GM means Geiger Muller काउंटर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने डायग्राम कंप्लीट बना लिया। इसकी समझ लेते सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस, फिर हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है और क्यों इसका GM काउंटर नाम रखा गया है, GM ट्यूब क्यों रखा गया है, क्या इसका यूज है हमारी इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन देखिए, उसको भी दबा दें। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, हम इस अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद आपने सब्सक्राइब कर लिया है। बस हम आपसे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सब्सक्राइब लाइक शेयर का ही बोलते हैं। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और अन्य वीडियोस आपको जल्द से जल्द पब्लिश करने का हमको इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं आज की ये वीडियो। आप देखें इसमें मैंने डायग्राम बना रखा है जो कि गीगर मूलर ट्यूब या GM काउंटर बात एक ही है का डायग्राम बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन आप देखो ये ट्यूब की तरह है, पूरा एनवलॉप है, इस कारण इसको ट्यूब नाम दिया गया है। यहाँ पे ये पोर्शन देख सकते हैं आपको, इसको विंडो बोलेंगे। इसको विंडो पर न्यूक्लियर रेडिएशंस इस पर दी जाती है। न्यूक्लियर रेडिएशंस इसमें अल्फा बीटा गामा रेस की न्यूक्लियर रेडिएशन रहती है, मतलब अल्फा गामा बीटा पार्टिकल्स इसके अंदर रहते हैं, उनका मेजरमेंट करेंगे, कैच करेंगे, समझेंगे। तो ये विंडो हो गई, इसके बाद पूरा एनवलॉप रहता है। इसमें एक पतला वायर रहता है लॉन्ग, उस वायर को हम एनोड की तरह यूज करते हैं। इसके बाद दो अलग से स्ट्रिप्स लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैथोड। क्लियर? कैथोड एंड एनोड। इसके बाद इसमें देखें कैथोड से एक बैटरी सोर्स के द्वारा एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसमें से आउटपुट हम मेजर करेंगे यहाँ पे। एक साथ में कैपेसिटर लगाया जो कि फिल्टर का काम करेगा। डीसी पल्सेस हमको मिलती है, जैसे ब्रिज सर्किट है जिसका आउटपुट मिलता है, या फुल वेव रेक्टिफायर रहता है, हाफ वेव रहता है, उसे पल्सेटिंग डीसी प्राप्त करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटेंस यूज करते हैं, वही यूज यहाँ पे कैपेसिटेंस का रहेगा, ठीक है। तो हमने कहां से अरेंजमेंट करके लिया, देखो एक तो एनोड से हमने एक वायर दे दिया बैटरी सोर्स के द्वारा आउटपुट में, कैथोड एनोड से ले लिया, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा रेजिस्टेंस के द्वारा। आउटपुट कैसे मिलेगा? जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में वही हमारा आउटपुट रहेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कैसे काम होता है, कैसी वर्किंग होती है, आपको क्या लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में जब आपको पूछा गीगर मूलर ट्यूब के बारे में या काउंटर बारे में, सबसे पहले आपको इसका अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देना, फिर इसके बारे में कंस्ट्रक्शन लिख देना है। इट हैज ए विंडो, और विंडो जो है माइका का, इसमें लेपिंग रहती है, कोटिंग रहती है, न्यूक्लियर रेडिएशन दिया जाता है, एनोड रहता है, कैथोड रहता है, बैटरी सोर्स, कैप्चर रेजिस्टेंस, आउटपुट, ये पूरा आपको लिख देना है कंस्ट्रक्शन में। अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग की बात करने से पहले देखो मैंने यहां लिखा भी है था, GM ट्यूब इज जनरली यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। क्लियर? ये आपको मेन इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। द GM ट्यूब या GM काउंटर इज जनरली यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। क्लियर? अब क्या होगा आपका कि कैसे काम होगा, गीगर मूलर ट्यूब GM काउंटर पर मेन भूमिका रहती है रेडिएशन की। अच्छा, रेडिएशन पहले एक चीज और बताना हम आपको भूल गए कि इसकी जो विंडोज रहती है वो माइका की बनी होती है, और उसके बाद जो ट्यूब रहती है इसके अंदर अर्गोन गैस फिल रहती है विथ कंसंट्रेट ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? अर्गोन गैस यानी कि AR इसमें रहेगी, अर्गोन गैस विथ कंसंट्रेट ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? जिसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो रहता है, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी कम प्रेशर पर इसमें अर्गोन गैस फिल करके रखते हैं, किसमें? GM ट्यूब के अंदर। क्लियर? अब क्या होता है कि व्हेन आपका कोई रेडिएशन नहीं पड़ रहा है तब आपका यहाँ पे हमको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, मतलब नो करंट, नो वोल्टेज, कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। अब क्या होगा जब इसकी विंडो पर न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ पे दी जाएगी, सेंड की जाएगी, इंटर कराई जाएगी, तो न्यूक्लियर रेडिएशन क्या रहता है? अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रहती है, अल्फा बीटा गामा रेस की ही न्यूक्लियर रेडिएशन रहती है। तो जैसे ही रेस आएगी तो आर्गोन गैस जो है इसका क्या होगा, इसके पार्टिकल्स आयोनाइजेंस हो जाएंगे, आयोनाइज होगी, मतलब कि इसमें आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा।
किसमें, आर्गन गैस में। अब क्या होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में यह गैस आपकी आयनाइज होगी, पॉजिटिव पार्टिकल्स आपके जाएंगे कैथोड की ओर, नेगेटिव पार्टिकल्स या आयंस आपके जाएंगे एनोड की ओर। क्लियर, जब पॉजिटिव आपको कैथोड जा रहा है, नेगेटिव आपके एनोड की ओर जा रहा है, तो क्लियरली क्या होगा इस केस में, आपको आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, तो आपकी निश्चित ही आपकी इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। और यह आयोनाइजेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि अर्गोन गैस जो इसके अंदर फिल है वो पूर्ण रूप से आयोनाइज ना हो जाए, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन इसका ना हो जाए। जब इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, उस केस में आपके आउटपुट रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट फ्लो निश्चित ही इस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को हम मेजर कर लेते हैं। जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वह डिपेंड करेगा न्यूक्लियर रेजिस्टेंस कितना मेंटर कर रहा है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम मेजर करके आउटपुट के फॉर्म में हम उसको मेजर कर लेते हैं, और वह आउटपुट से हम फाइनल कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितना न्यूक्लियर रेडिएशंस इसमें जा रहा है। क्लियर हो गया, जब न्यूक्लियर रेडिएशंस आप इसमें एंटर करना बंद कर देंगे तो आपका कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो मतलब कि नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि कोई आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर रेडिएशंस इसमें एंटर करेंगे तो निश्चित ही हमको आउटपुट मिलेगा, इस तरीके से इसका काम होता है। और इसमें जब न्यूक्लियर रेडिएशंस अप्लाई की जाती है, एंटर की जाती है, जब तक न्यूक्लियर जो आयोनाइजेशन होता रहता है तब तक कि अर्गोन गैस पूर्ण रूप से आयोनाइज ना हो जाए, मतलब कि कंप्लीट आयोनाइजेशन ना हो जब तक आयोनाइजेशन होता रहता है। जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है तब हम उसका आउटपुट नोट कर लेते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। इस तरीके से गीगर मूलर ट्यूब के द्वारा काम होता है, यानी कि गीगर मूलर ट्यूब या गीगर मूलर काउंटर या शॉर्ट बोलेंगे इसको, जीएम काउंटर आपने पढ़ा होगा, जीएम काउंटर के बारे में। तो काउंटर क्यों बात कर रहे हैं, इस पे काउंटर यहां से निकल के आता है, न्यूक्लियर रेडिएशन में एंटर की, इसके अल्फा बीटा गामा जो रेज थी उसका पार्टिकल आर्गन गैस क्या हुआ, आयनाइज हुई, आयनाइज होने के कारण हमको आउटपुट मिला, आउटपुट मिला मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ, हमको पल्सेस के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, और उन पल्सेस को मेजर करके काउंट कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है इस न्यूक्लियर रेडिएशन में। क्लियर, तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप जीएम ट्यूब के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं, जब आपसे एग्जाम पूछ जाए कि जीएम ट्यूब क्या होती है, गीगर मूलर काउंटर क्या होता है, गीगर मूलर ट्यूब क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताइए, तो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना नीट एंड क्लीन, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखना है, और थोड़ा सा लिख देना है कि इसका जनरल यूज हम जो आपका डिटेक्शन एंड मेजरमेंट करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेज के पार्टिकल्स को, मतलब मेजरमेंट एंड डिटेक्शन में इसका यूज किया जाता है, कैसे करते हैं वो पूरा दिखा देंगे, पूरा एनवेलप फॉलो ट्यूब्स रहती है, इसके अंदर कैथोड लगे रहते हैं, एनोड लगे रहते हैं, आर्गन गैस फ्ली होती है विद कंसंट्रेट ऑफ जो क्या बोलते हैं अल्कोहल या आपका हाइड्रोकार्बन्स, और इसके बाद जो विंडो रहती है इसकी जो माइका की बनी होती है, इस पे जब निकल रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे आर्गन गैस जो रहती है आयनाइज होगी, पॉजिटिव में नेगेटिव आयंस में टूटेगी, पॉजिटिव आयंस आपके कैथोड पे जाएंगे, नेगेटिव आयंस आपके एनोड पे जाएंगे, इस कारण से आपके आउटपुट पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को हम आउटपुट के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं, और इस तरीके से हमको फाइनली इसमें आउटपुट मिल जाता है, मतलब कि एक प्रकार का न्यूक्लियर रेडिएशंस का कंप्लीट मेजरमेंट इस जीएम ट्यूब के द्वारा हो जाता है, यानी कि जीएम काउंटर के द्वारा हो जाता है। उम्मीद करते हैं मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया जीएम ट्यूब के बारे में या जीएम काउंटर के बारे में। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट करके निश्चित पूछिए, हम निश्चित आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप चाहते हैं इस प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे ASHOK ETUTOR यूट्यूब चैनल को, साथ दबा दें बेल आइकन का नोटिफिकेशन, बेनिफिट आपको यही रहेगा कि हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल या डेस्कटॉप जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ मिल जाएगा। आपको बता दें सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपका है, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनका नॉलेज भी इंक्रीज हो सके इंजीनियरिंग वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग। क्लियर, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।